हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। और आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ बीएड एंट्रेंस के ऊपर। तो इस चैनल में ये लिंक मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया है। इस पे क्लिक करते ही आप लोग बीएड एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैं पूरा प्रोसेस भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ये ऑनलाइन GU.IN एंट्रेंस का लिंक आप लोग क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आप लोग देख पाओगे एप्लीकेशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023। तो इसमें आप लोगों को क्लिक हियर जो दिख रहा है ग्रीन बटन पे क्लिक करते ही आप लोगों को लॉगिन करने कहेगा। अगर आप लोग नया एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हो तो न्यू एप्लीकेशन बटन के नीचे जो दिखेगा मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, इसको देख कर आप लोगों को स्टार्ट क्लिक करना है तो आप लोगों का नया एप्लीकेशन क्रिएट होगा। और अगर पुराने हो तो आप लोग लॉगिन टू योर अकाउंट, मतलब ऑलरेडी अगर अप्लाई कर चुके हो तो लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट सब कुछ देख सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो हम लोग नया एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोग देख सकते हो, या फिर पहले पर्सनल डिटेल्स डालना होता है। फर्स्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिखूँगी झुम्पा, मिडिल नेम ब्लैंक रहेगा, लास्ट नेम में मैंने सिंह लिखूँगी। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का ईमेल आईडी मांगा है तो वहाँ पे ईमेल आईडी कंपलसरी आपको देना होगा। पेरेंट्स का नाम, आपका मम्मी का नाम, पापा का नाम यहाँ पे डालना है। पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा किसी एक का मोबाइल नंबर देने से होगा, या फिर ईमेल आईडी यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे फिल करना है। जेंडर आपका मेल फीमेल जो है वो डालना है। कैटेगोरी आपका कास्ट क्या है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जनरल कैटेगोरी, एससी, एसटी, ओबीसी। अगर कास्ट है तो आप लोगों को एक फ़ाइल यहाँ पे डालना होगा, मतलब आपको अपलोड करनी होगी, जो फाइल का आप लोगों को मैक्सिमम KB देख के ही आपको डालना है। ठीक है, तो मेरा जनरल कास्ट है। रिलीजन आपको चूज़ करना है, अगर आपका रिलीजन नहीं है तो आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और नेशनलिटी में इंडियन ऑलरेडी सिलेक्ट किया रहेगा, जैसे कि डोमिसाइल भी सिलेक्ट होकर रखा है यहाँ पे आसाम। अगर आप लोग का अलग है तो आप लोग आधार में क्लिक करके अपना यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना डोमिसाइल का। और आधार नंबर आपको अगर याद है तो डालो, या फिर अगर आधार है ही नहीं तो मत डालो। आर यू डिफरेंटली एबल, तो अगर डिफरेंटली एबल हो तो येस, नहीं हो तो नो। और अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो येस देना, अगर नहीं करते हो तो नो देना। अगर येस करते हो तो आप लोगों को EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डाउनलोड, अपलोड देने होंगे। तो आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, आपको सेव पर्सनल डिटेल्स करते ही एड्रेस डिटेल्स देना होगा। एड्रेस डिटेल्स, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है तो आप लोग टिक जो दिख रहे हैं यहाँ पे ब्लू टिक देने से हो जाता है। पर अगर अलग अलग है तो आपको पूरा फिल करना होगा, विलेज या फिर टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन नंबर, वैसे ही आपको दोनों साइड, बोथ द साइड्स आपको फिल करने होंगे अगर अलग अलग है तो। अगर नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चेक इफ़ सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर यहाँ पे आप लोग टिक करते हो तो सेम आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस की जगह सेम ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप लोग को फिर से यहाँ पे टाइपिंग करना है, उसके बाद सेव एड्रेस क्लिक करना। और सेव एड्रेस के बाद यूनिक आइडेंटिटी डिटेल्स, यहाँ पे यूनिक आईडी कैसे क्रिएट करना होता है मैंने सिखाया है एक वीडियो में, आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे यूनिक आईडी नहीं मांगा है, यहाँ पे आपको रोल नंबर देने के लिए कहा है और मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है क्लास 9 का एंड 12 का, यहाँ पे सॉरी क्लास 10 एंड 12 का आपको यहाँ पे देना होगा सीरियल नंबर। उसके बाद सेव यूनिक आइडेंटिटी करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आते हो, प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे मास्टर्स का नहीं देने से भी होगा, कोई कंपलसरी नहीं है, ग्रेजुएशन तक भी दे सकते हो। तो ग्रेजुएशन में सिलेक्ट करूँगी क्वालिफिकेशन में, फिर मेरा रोल नंबर। स्टेटस में आप लोग दे सकते हो, अगर आप ग्रेजुएशन पास नहीं किए हो तो आप लोग अपीयर्ड देना, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे रहे हो। और अगर पास कर चुके हो तो आप लोग पास में क्लिक करना, सब्जेक्ट जो था आपका वो सारा सब्जेक्ट, या फिर स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वो आप लोग सिलेक्ट करना। फिर कौन सा ईयर में पास आउट हुए हो वो लिखना। टोटल मतलब एकदम ग्रैंड टोटल कितना मार्क्स था आपका ग्रेजुएशन में वो मार्क्स लिखना, और फिर कितना मार्क्स में से आपको कितना मार्क्स मिला है वो भी आपको लिखना है मार्क्स ऑब्टेन में। अगर आप लोग
यहाँ पे गलत करते हो। देखो देखो, जैसे कि आप लोग अभी मार्क्स डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो अगर आप लोग कुछ भी मार्क्स यहाँ पे एज्यूम करके लिखते हो तो गलत होगा। आप लोग उसमें ब्लैंक ही रखना या फिर जीरो डाल देना। उसके बाद परसेंटेज और कौन सा बोर्ड से पास आउट हुए हो उसको लिखना है। मैं तो लिखूँगी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। और जो भी स्टूडेंट्स फाइनल सेमिस्टर में हो, जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स है, उनको कहा गया है कि आप लोग मार्क्स ऑब्टेन फील्ड में जीरो फिल करें, मतलब सिर्फ और सिर्फ जीरो लिख के रखो। और परसेंटेज कन्वर्सेशन का फॉर्मूला आप लोगों को जो एग्जामिनेशन बोर्ड से दिया गया है उसी को फॉलो करना, मतलब जो मल्टीप्लाई करने देता है ग्रेड पॉइंट को, उसी को आप लोग कैलकुलेशन करके डालना। अपने मर्जी से कुछ भी यहाँ पे पुट मत करना, किसी भी दोस्त से सुनकर, किसी भी सीनियर से आइडिया लेकर मत करना। जो आप लोगों को एग्जामिनेशन ब्रांच बोर्ड से दिया गया है वही फॉर्मूला आप लोग प्लीज़ इसमें पुट करो, गलत होने से, क्योंकि ये फॉर्म दोबारा आप लोग नहीं फिल कर सकते। एक इंसान एक ही बार ये फॉर्म फिल कर सकता है, एक इंसान दो बार, दो फॉर्म एक ही नाम का नहीं फिलअप करना है, क्योंकि ये गलत हो जाता है। ग्रेजुएशन मार्क्स, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स इन मेजर सब्जेक्ट जितना था वो आपको पुट करना है, और उन सारे मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले उन सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे डालना है। मैक्सिमम मार्क्स इन जनरल सब्जेक्ट, जो भी आपका जनरल सब्जेक्ट्स था, टोटल मार्क्स था आई गेस 700 कुछ था हमारा, तो उसमें से मुझे कुछ 400 प्लस मिला था, तो वो मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं अभी ये ऐड नहीं करूँगी, आप अपने से इसमें पुट करना जो भी आपको मिला है। और जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो फाइनल सेमिस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी मार्कशीट नहीं निकला है, तो वो लोग जीरो पुट करना मार्क्स ऑब्टेन फील्ड में। और सेव ग्रेजुएशन मार्क्स क्लिक करते ही आप लोगों का पूरा डिटेल्स अभी तक का सेव हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो अभी कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है आई थिंक सो। अगर कुछ भी होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से यहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। कौन सा बॉक्स में आपको समझ नहीं आ रहा है वो भी मुझे मेंशन करके बोलना। कोर्स अप्लाइड फॉर, यहाँ पे कोर्स एक ही है, बीएड का हम लोग फिल कर रहे हैं, तो बीएड सिलेक्ट करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर, देखो बहुत लोग पूछते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, जो आपका कन्वीनियंट प्लेस है, घर से सामने है, जहाँ पे आप जा सकते हो इजीली एग्ज़ाम देने के लिए, वैसा जगह सिलेक्ट करना। तो मैं गुवाहाटी में रहती हूँ तो मैं गुवाहाटी सिलेक्ट कर रही हूँ। और अगर गुवाहाटी का सीट आपको नहीं है, आप बाहर थोड़ा रहते हो, कहीं दूर से आ रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप लोग गुवाहाटी का आसपास भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मंगलदोई, ये भी पास ही होता है गुवाहाटी का, तेजपुर, रोंगिया, पाठशाला, ये सब बहुत ही पास होता है गुवाहाटी का, तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका कन्वीनियंट के हिसाब से आप यहाँ पे जगह ढूंढना, फिर जाके क्लिक करना। तो और ये सारे डिटेल्स हो जाने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो डॉक्यूमेंट जो है आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली अपलोड करनी है, गलती मत करना, क्योंकि बाद में बहुत स्टूडेंट्स रोते हैं, मतलब बहुत गलत हो जाते हैं, करेक्शन नहीं कर पाते, करेक्शन विंडो नहीं आते हैं। तो पासपोर्ट साइज़ जो फोटोग्राफ आप दोगे उसमें JPG फॉर्मेट में ही देना, और 500 KB के नीचे होना पड़ेगा। जब भी फाइल चूज़ करते हो पहले उस फोटो का, डॉक्यूमेंट्स का, सिग्नेचर का, या फिर कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना चाहते हो, आधार कार्ड देना चाहते हो, या फिर कोई भी आप मार्कशीट देना चाहते हो, उसका फाइल आपको कंप्रेस करके उसको डालना, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स लास्ट सेमेस्टर में हो, फाइनल दिए हो अभी, तो उनका फाइनल मार्कशीट जो नहीं आया है, तो आप लोग लास्ट जो अवेलेबल है आप लोगों के पास, जो सेमेस्टर का मार्कशीट है, वो मार्कशीट भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। चूज़ फाइल पे क्लिक करके JPG फॉर्मेट में 500 KB के नीचे होने से आप लोग अपलोड कर देना। सारा कुछ अगर आप लोग का सही है, एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करना, उसके बाद जाके डिक्लेरेशन पे सबमिट क्लिक करना, तो आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। प्रीव्यू पेज में जाकर ये प्रिंट आउट निकाल सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।